सो गाइस अभी हमारे पास एक फोन आया हुआ है आईटेल का A25 प्रो मॉडल, और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पैटर्न लॉक लगा है। कस्टमर इसका पैटर्न भूल चुके हैं, तो हम इसे अनलॉक करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे आप मॉडल देख लीजिए, इसका मॉडल है L5002P, यानी कि आईटेल का फोन है और इसमें स्पेक्ट्रम CPU लगा है, तो आप इसे UMT से भी बहुत आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो हम इसे हार्ड रिसेट करके अनलॉक करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन एक साथ दबाना है, और जैसे ही फोन खुले आपको वॉल्यूम डाउन बटन को हाथ लगा के रखना है और पावर बटन से हाथ हटा देना है, जैसा कि मैंने यहाँ वीडियो में किया है। तो यहाँ पे आपको ऐसा करके थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे एक्चुअली हमारा फ़ोन जो है अभी खुला नहीं है, लोगों पे आ गया है, तो इसलिए हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको फिर से बैटरी को वापस से एक बार निकाल लेना है, और बैटरी निकालने के बाद से फिर से लगा के और एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो फटाफट से हम बैटरी निकाल लेते हैं। पहले कई बार ऐसा दिक्कत आ जाती है, आपके साथ भी अगर ऐसा है दिक्कत तो आप भी ऐसा ही करिए, आप बैटरी निकाल के दोबारा लगा के और फिर से एक बार ट्राई करिए। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन एक साथ दबाए के रखना है कुछ देर तक, और जैसे ही फ़ोन खुले आपको पावर बटन से हाथ हटा देना है, वॉल्यूम डाउन बटन दबाए रखना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा फंक्शन खुलेगा, इसमें आपको नीचे आना है, वाइप डाटा फैक्ट्री से सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन की मदद से नीचे आके और पावर बटन दबा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट हो चुका है, और यहाँ पे अब आपको रिबूट के लिए फिर से पावर बटन दबाओगे तो यहाँ पे ये काम करेगा और यहाँ पे रिबूट हो जाएगा फ़ोन। ध्यान रखिए कभी भी इस मेथड को आप ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, आपका जो फ़ोन है वो टच उसका काम नहीं करेगा, तो आपको ये वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन से ही इसका यूज करके इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा समय लेगा फ़ोन खुलने में, क्योंकि जब भी किसी फ़ोन का आप पासवर्ड वगैरह हटाते हो या फिर उसका फॉर्मेट करते हो तो फ़ोन थोड़ा देर खुलने में समय लेता है, तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ये जो फ़ोन है इसके अंदर अभी थोड़ा सा समय लगेगा, तो तब तक हम वीडियो को स्किप कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपका जो समय वो कम से कम लगे। आपका लगभग समय लगेगा 2 से 3 मिनट का या फिर 4 मिनट का, उतने देर में यह फ़ोन यहाँ पे आईटेल के लोगों पे रुका रहेगा, उसके बाद ये फ़ोन खुलेगा। इसमें अभी FRP लॉक नहीं लगा है, कस्टमर ने नहीं लगाया, तो इसलिए हम FRP लॉक नहीं दिखा पाएंगे, उसे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिखा देंगे। आप चाहें तो इसे UMT से भी कर सकते हो। आप ऊपर देखिए कोने पर कहीं FRP लॉक का सिंबल नहीं दिख रहा है, तो आप UMT से भी इसे चाहो तो आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से उसमें यूनेस्को मॉड्यूल में। तो फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको और किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।